का देखकर गोरी कौवी जल्दी जल्दी से बुलबुल का अंडा तोड़कर पी रही थी। जब बुलबुल वहाँ आ जाती है, गंदी कौवी अब मुझे पता चला मेरे अंडे कौन पीता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नो नो नहीं नहीं, मैं तो आज ही आई थी इस दिशा में। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। बुलबुल भी रोती हुई दूसरे पक्षियों के पास जाती है। बुलबुल सब पक्षियों को इकट्ठे कर लेती है। आज उसने मेरा अंडा पिया है और कल वो आप सबके पी लेगी। अगर उस कौवी का कुछ ना किया तो वो हमारे जंगल में किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वो हमारे मासूम अंडों को ऐसे ही पीती रहेगी। ऐसा नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर उस दुष्ट कौवी और कौवे को अपने जंगल से निकाल देंगे। तो फिर सब चलो जाकर अभी उन्हें इस जंगल से निकाल देते हैं। कालू जी, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। कुछ बताओ भी, क्या काई काई लगा रखी है? मैं उस मोटी बुलबुल का अंडा पी रही थी कि वो मोटो ऊपर से आ गई और उसने मुझे अंडा पीते हुए देख लिया है। वो मोटो हमसे बहुत डरती है, वो कुछ नहीं करेगी। वो तो डरती है हमसे, परंतु वो सब पक्षियों को इकट्ठा कर रही है। अगर सब पक्षी इकट्ठे हो गए तो वो हमें मार देंगे। खोलो दरवाजा, खोलो। दुष्ट कौवे और कौवी अगर दरवाजा ना खोला तो हम सब दोस्त मिलकर दरवाजा तोड़ देंगे। वो आगे कालू जी, अब मुझे बचा लो उनसे, वो सब मुझे मार देंगे। फिर कालू डरते डरते दरवाजा खोलता है। सब पक्षी कालू के घर में आ जाते हैं। नहीं, कोई मारेगा नहीं इन्हें, मुझे बात करने दो। गोरी, तुम्हारे भी तो अंडे होते हैं, तुम तो अच्छे से जानती हो कि अंडों से कितना प्यार होता है हम पक्षियों को। इन अंडों में हमारे आने वाले बच्चे होते हैं और तुमने बुलबुल का अंडा ही पी लिया। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। खुद को रोक नहीं पाई? अगर इतनी ही भूख थी तो कहीं से दाना ढूंढ लेती। तुमने मेरा अंडा केवल स्वाद के लिए पिया है, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी इस जंगल से निकल जाओ। अगर यहाँ से ना गए तो हम अभी के अभी तुम दोनों को मार देंगे। हम चले जाते हैं, हम अभी चले जाते हैं, हम फिर लौट कर कभी इस जंगल में नहीं आएंगे। बस एक बार हमें माफ कर दे, हम अभी चले जाते हैं। दोस्तों, इन्हें एक मौका देना चाहिए। इन्हें मारने से बेहतर है कि ये दोनों बदमाश कौवे यहाँ से चले जाएं। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब पक्षी भी अपने अपने घर चले जाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं और फिर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब कहाँ जाएं? कहाँ रहेंगे हम? इस जंगल में मेरे एक मामा जी रहते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। मेरे मामा जी हमें अपने घर में रख लेंगे। तो फिर देर किस बात की? कालू जी, जल्दी चलो अपने मामा जी की तरफ। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। कालू अपने मामा जी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मामा जी दरवाजा खोलते हैं। कालू, इस समय सब ठीक तो है ना? मामा जी, पक्षियों ने हमें जंगल से निकाल दिया है। क्यों? वो क्यों कालू? मामा जी, मैं पकड़ी गई थी, मैं बुलबुल का अंडा पीते हुए पकड़ी गई थी। वो सब तो हमें मारने ही वाले थे और फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया और हमें अपने जंगल से निकाल दिया। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। फिर कालू का मामा उन्हें सुबह हो जाती है। मामा जी, हम भोजन ढूंढ कर लाते हैं, क्या खाना पसंद करेंगे आप? जो भी मिल जाए, अगर हो सके तो कोई मीठा फल ले आना। कई दिन बीत गए हैं, मैंने कोई मीठा फल नहीं खाया। आप इंतजार करें, हम आपके लिए फल लेकर आते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने मामा के घर से निकलते हैं। चुड़िया, मुझे पता चला है वो दोनों बुरे कौवे अपने मामा जी के पास चले गए हैं। जहाँ भी जाएं, हमारी तो जान छूटी उन दुष्ट कौवों से। हम तो फिर कभी उन्हें अपने जंगल में लौट कर नहीं आने देंगे।
समय गुजरता गया और फिर एक दिन कव्वी दो अंडे देती है। आज गोरी कव्वी बहुत खुश थी। अब तो उन्होंने अपने मामा जी के घर के पास ही एक छोटा सा घोंसला भी बना लिया था। पालू जी, मेरे अंडे बहुत सुंदर हैं। अब इन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। मेरे बच्चे कितने सुंदर होंगे। अब भोजन मैं ले आया करूँगा और तुम हमारे अंडों की रक्षा करना। आज से तुम्हारा घोंसले से बाहर निकलना बंद हुआ। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। अब कालू कौवा बहुत बदल चुका था। उसने चोरियां भी छोड़ दी थी। वो मेहनत से दाना ढूंढता और पहले कुछ दाना अपने मामा जी को देता और कुछ दाना अपने घोंसले में ले जाता। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू भोजन को गया हुआ था जबकि गोरी कौवी अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। बहुत प्यास लगी हुई है, क्यों ना मैं नदी से थोड़ा सा पानी पी आऊं? कहीं मेरे अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं ऐसा करती हूँ, अपने मामा जी को अंडों के पास बैठा देती हूँ। फिर गोरी कौवी कालू के मामा जी के पास जाती है। मामा जी, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ, आप थोड़ी देर मेरे घोंसले में तो आकर बैठ जाएं और मेरे अंडों का ध्यान रखना। जाओ जाओ, मैं अभी तुम्हारे घोंसले में चला जाता हूँ। फिर गोरी कौवी नदी पर पानी पीने और कालू का मामा गोरी के अंडों के पास चला जाता है। कालू का मामा गौर से अंडों को देखे जा रहा था। बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं इन दोनों अंडों को पी लूं तो कुछ जवानी लौट कर आ सकती है मेरी। हम कौवे तो ऐसे ही होते हैं, कौन अपना कौन बेगाना। फिर कालू का मामा खुद को रोक ही नहीं पाता और गोरी के दोनों अंडे पीकर मजे से सो जाता है। जब थोड़ी देर बाद गोरी कौवी नदी से लौट कर आती है तो वो अपने अंडे टूटे हुए देखकर रोने लग जाती है। मेरे अंडे किसने पी लिए मामा जी? मेरे अंडे आपने ही पी लिए हैं। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, तुम्हारे अंडे पीने से अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। क्या हर्ज है, तुम दोबारा अंडे दे देना। ऐसा कहते हुए कालू का मामा जी वहाँ से चला जाता है। कालू भी घर आ जाता है। गोरी उसे सारी बात बताती है। मेरे मामा जी इतने जालिम हो सकते हैं? ये तो मैंने कभी ना सोचा था। एक मामा अपने ही भांजे के अंडे पी जाता है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। बुलबुल और चिड़िया तक भी ये बात पहुंच जाती है। वो दोनों कौवों के पास आती हैं। अब पता चला गौरी, दुख हुआ ना? मुझे भी ऐसे ही दुख हुआ था जब तुमने मेरा अंडा पिया था। अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? यहाँ मेरा मन घबरा रहा है। कोई मामा भी ऐसा कर सकता है अपने भांजे के साथ। गोरी, मैं जानती हूँ अब तुम मेरे दुख को समझ सकती हो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, आप वापस अपने घर आ जाएं, क्योंकि यहाँ आप सुरक्षित नहीं हो। ऐसे बुलबुल बड़ा दिल करते हुए कौवी को माफ कर देती है। फिर कौवा और कौवी अपने घर वापस चले जाते हैं। अब गोरी कौवी बदल चुकी थी, वो एक अच्छी और सच्ची कौवी बन गई थी। गुड़िया उठो बेटी, अभी तक सोई हुई हो, जाओ और दूध ले आओ। हर रोज की तरह गुड़िया की मम्मा गुड़िया को उठाती है और दूध लाने का कहती है। गुड़िया ये काम बहुत शौक से करती थी क्योंकि उस बहाने उसे बाहर थोड़ा घूमने का मौका जो मिल जाता था। मम्मा बाल्टी कहाँ है? ये लो बाल्टी और 5 रुपए, जाओ और जल्दी वापस आना बेटी, आपको नाश्ता देकर मुझे भोजन लेने भी जाना है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे और बाल्टी लेकर दूध लेने चली जाती है। वो खुशी खुशी जा रही थी। वो कभी ऊंचाई में उड़ती तो कभी नीचे आ जाती। सुबह सुबह की ठंडी हवा उसे छूकर गुजर रही थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जग्गू कौवा जो बहुत शरारती था रास्ते में उसे रोक लेता है। गुड़िया कहाँ जा रही हो? रुको, मेरी बात सुनो। मैं दूध लेने जा रही हूँ। परंतु दूध वाले अंकल ने तो अभी दुकान ही नहीं खोली। मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ, चलो थोड़ा खेल लेते हैं।
बुढ़िया मासूम थी, वो जग्गू कौवे के झूठ को सच समझ लेती है। चलो फिर हम थोड़ी देर खेलते हैं, तब तक दूध वाले अंकल भी आ जाएंगे। छुपन छुपाई खेलते हैं, आप अपनी बाल्टी वहाँ मेरी बाल्टी के पास रख दें। बुढ़िया अपनी बाल्टी और अपने पैसे जग्गू की बाल्टी के पास ही रख देती है। चलो बुढ़िया पहले आप छुपो और मैं ढूंढता हूँ। और आप चीटिंग न करना, अपनी आंखें बंद करके 5 तक गिनो। और ऐसा कहते हुए गुड़िया छुपने चली जाती है। 1, 2, 3 पहले तुम्हारे पैसे तो चुरा लूं गुड़िया, फिर ढूंढूंगा तुम्हें। और जग्गू कौवा गुड़िया की बाल्टी से उसके पैसे चुरा लेता है जिसका उसे दूध लेकर जाना था। गुड़िया मैं हार गया, आ जाओ मैं हार गया। मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ नहीं सकोगे। चलो गुड़िया चले, अब तक दूध वाले अंकल आगे होंगे। गुड़िया जैसे ही अपनी बाल्टी में देखती है वहाँ तो उसके पैसे ही ना थे। गुड़िया रोने लग जाती है। मेरे पैसे कहाँ गए? अभी तो मैंने अपने पैसे अपनी बाल्टी में रखे थे। जग्गू मेरे पैसे वापस दो, मेरे पैसे तुमने ही चुराए होंगे। चल भाग, मुझे कोई चोर समझती हो? मैंने नहीं चुराए तुम्हारे पैसे, कहीं गिरा दिए होंगे। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब मैं दूध कैसे लेकर जाऊँ? अगर ऐसे गई तो मम्मा डांटेंगी। गुड़िया ऐसे रोती रहती है और फिर कुछ देर रोने के बाद गुड़िया खाली ही अपने घर लौट जाती है। अरे गुड़िया आप रो क्यों रही हैं और दूध क्यों नहीं लाई आप? मम्मा मम्मा मेरे पैसे कहीं खो गए। मम्मा मैंने बहुत ढूंढे परंतु मुझे नहीं मिले। अच्छा अब चुप कर जाओ, रास्ते में कहीं खेलने लग गई होगी इसलिए तुम्हारे पैसे खो गए हैं। हाँ मम्मा मैं जग्गू के साथ छुपन छुपाई खेलने लगी थी और फिर मेरे पैसे कहीं गुम हो गए। मैंने कितनी बार आपको जग्गू से खेलने से मना किया है, वो अपने माँ बाप की तरह चोर है, उसने तुम्हारे पैसे भी चुरा लिए होंगे। अब ही दूसरे रोज जब गुड़िया फिर से दूध लेकर वापिस आ रही थी तो जग्गू कौवा फिर से उसे रोक लेता है। गुड़िया क्या आपकी मम्मा ने कल आपको मारा था? नहीं मेरी मम्मा मुझे नहीं मारती, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। और आप जाएं, मम्मा ने मुझे आपसे खेलने से रोक रखा है। गुड़िया का यही कहना था कि जग्गू को गुस्सा आ जाता है और वो गुड़िया की दूध वाली बाल्टी को गिरा देता है। दुष्ट कौवे ये क्या किया आपने, आपने मेरा सारा दूध ही गिरा दिया। अगर कल मार नहीं पड़ी तो आज पड़ेगी। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। मैं भी अपनी मम्मा को साथ लेकर अभी तुम्हारी मम्मा को बताती हूँ। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को साथ लेती है और गौरी के पास जाती है। गौरी बहन आपका जग्गू मेरी गुड़िया को हर समय तंग करता है। आंटी आंटी कल जग्गू ने मेरे पैसे चुरा लिए और आज मेरा दूध गिरा दिया, वो हमेशा मुझे तंग करता है। तो क्या तुम्हारे कहने पर मैं अपने बेटे को मारने लग जाऊं? तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो, तुम्हें पता तो है मेरा जग्गू थोड़ा शरारती है। गौरी बहन अगर आप उसे रोकेंगी नहीं तो एक ना एक दिन उसकी कोई शरारत उसे नुकसान भी पहुँचा सकती है। तुम जाओ यहाँ से, मैं रोक लूंगी अपने बेटे को, मुझे ज्यादा चू चू ना सुनाओ। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी आज के बाद अगर जग्गू आपको बुलाए तो उसकी कोई बात नहीं सुननी और उसके पास रुकना भी नहीं। मम्मा मैं कब उसके पास जाती हूँ, वो तो खुद मुझे हर रोज तंग करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गुड़िया नदी पर जा रही थी कि जग्गू पीछे से आकर गुड़िया से कहता है। गुड़िया चलो पहाड़ों पर चलें, वहाँ जाकर खेलेंगे। परंतु गुड़िया जग्गू की बात सुनी अनसुनी करते हुए आगे बढ़ जाती है और जग्गू कौवा अकेले ही पहाड़ों की तरफ चला जाता है। इस सुराख में यकीनन किसी पक्षी के छोटे बच्चे होंगे, चलो मैं उन्हें तंग करता हूँ। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा पेड़ के सुराख में घुस जाता है। मुझे 2 दिन लग जाएंगे अपनी बहन की शादी में और मैं अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता हूँ। ऐसे चलो तो उसे कहीं देखते हैं, कहीं वो कबूतर के पास ना चला गया हो। चलो पहले कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर कबूतर मेरा बेटा जग्गू सुबह से कहीं गया हुआ है, तुम्हारे पास तो नहीं आया?
नहीं गौरी बहन, मेरे पास तो नहीं आया। आप चिड़िया के पास जाएं। जग्गू हर समय चिड़िया की बेटी गुड़िया को तंग करता रहता है। हो सकता है कि आज फिर उसे तंग करने उसके ही घर गया हो। फिर गौरी और कालू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, मेरा जग्गू ना जाने कहाँ चला गया, सुबह से गायब है। गौरी बहन, मैंने तो गुड़िया को जग्गू से खेलने से रोक रखा है, वो इसे हर समय तंग करता है। आंटी, जग्गू अभी तक घर वापस नहीं आया। नहीं बेटी, वो तो सुबह ही घर से निकल गया था, अब तक नहीं लौटा। मम्मा, मुझे पता है जग्गू कहाँ होगा। मम्मा, मैं जाती हूँ। जाओ बेटा और ढूंढो कहीं से जग्गू को। फिर गुड़िया तुरंत पहाड़ों की तरफ जाती है, क्योंकि जग्गू जाते हुए गुड़िया को बता कर जो गया था कि मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। गुड़िया पहाड़ों पर जाकर जग्गू को आवाज देती है। जग्गू, जग्गू, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ इस पेड़ के सुराख में फंस गया हूँ। आवाज सुनकर गुड़िया उस सुराख का दरवाजा खोलती है तो जग्गू पसीने से भीगा हुआ बाहर निकलता है। जग्गू, तुम इस सुराख में कैसे? मैं इस सुराख में शरारत करने के लिए घुसा था और किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं अंदर ही फंस गया। चलो घर, आपकी मम्मा हमारे घर में बैठी बहुत रो रही है। गुड़िया, मैंने आपसे इतना बुरा किया, आपके पैसे चुराए, दूध गिरा दिया और आपने फिर भी मेरी जान बचाई, मैं बहुत बुरा हूँ। अब जल्दी से घर चलो, आपकी मम्मा बहुत परेशान है। फिर गुड़िया और जग्गू वापस आते हैं। मेरा जग्गू कहाँ चला गया था मेरे बेटे? जग्गू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर गौरी बहुत शर्मिंदा थी। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दे, आज गुड़िया के ही कारण मेरा बेटा जिंदा है। अब हमारे जग्गू को भी एहसास हो गया है कि ऐसे हर समय शरारते करने से कभी कभी हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। गौरी बहन, हमें शुरू से ही अपने बच्चों को अच्छे काम सिखाने चाहिए, ताकि कल हम उन्हें एक अच्छा और सच्चा पक्षी बना सकें। उस